कभी दौड़ते भागते लोग, कभी आसमान सी ऊंचाई, बनती बदलती जिंदगियों का शहर है सूरत। और सूरत की फास्ट लाइफ को सुपर फास्ट गति देने सूरत आ पहुंची है मेट्रो रेल, बढ़ते सूरत की बदलती लाइफस्टाइल। वैसे तो सूरत की पहचान डायमंड सिटी के तौर पर है, लेकिन डायमंड बोर्स, ड्रीम सिटी, BRTS जैसे कई प्रोजेक्ट्स आज सूरत शहर की लाइफस्टाइल को गति दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना था कि सूरत विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब बने, जिसके लिए सूरत को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के हेतु अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। और सूरत की प्रगति को अविरत गति देने का काम करेगी सूरत मेट्रो रेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि अहमदाबाद में मेट्रो रेल की सफल शुरुआत के बाद सूरत गुजरात का दूसरा शहर होगा जहां मेट्रो रेल लोकल ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनेगी, जिसमें 40 किलोमीटर के सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। 12,020 करोड़ रुपयों की लागत से प्रथम चरण के इस नेटवर्क में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कॉरिडोर 1 में मेट्रो रेल सरथाना से ड्रीम सिटी का 21 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 6 भूमिगत स्टेशनों समेत 20 स्टेशन के साथ ये कॉरिडोर, जबकि कॉरिडोर 2 बेसान से सारोली तक का 18 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 18 एलिवेटेड स्टेशन के साथ बनने वाला ये पूरा कॉरिडोर होगा एलिवेटेड कॉरिडोर। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक और BRTS से लेकर सिटी बस नेटवर्क तक सबके साथ एकीकृत सूरत का मेट्रो रेल नेटवर्क, जहां हर एक किलोमीटर पर होगा स्टेशन। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक हो जाएगा पूरी तरह से कार्यान्वित। प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूर्ण करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने एवं सूरत शहर की प्रगति के नए आयाम कायम करने वाले सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है शुभारंभ।